सिंगरौली जिले भर में अन्न उत्सव का आयोजन किया गया था जो पूरी तरह से ठप रहा, जिसकी वजह से गरीब जनता परेशान रही। सिंप्लेक्स में स्थित चास के उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन की मनमानी देखने को मिली, जहां पूरे दिन अन्नोत्सव के दौरान दुकान पर ताला लटकता रहा। दोपहर 3 से शाम 4 बजे तक हितग्राही इंतजार करते रहे। बताया जा रहा है कि सेल्समैन अरुण कुमार शाह को 3-3 शासकीय उचित मूल्य दुकानों की बागडोर सौंप दी गई है, जिसकी वजह से रोजाना ही हितग्राहियों को समस्याएं झेलनी पड़ती है। सूत्रों की माने तो खाद्य विभाग के अधिकारी सरकार की योजनाओं से पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सिंपलेस कॉलोनी में है तो आज खाद्यान्न लेने आए हैं आप लोग, तो दुकान खुला हुआ है कि बंद है? अभी कितना समय हो रहा है? 3 बज रहा है, मतलब आज सुबह से दुकान खुला ही नहीं है? हम लोग को नहीं पता है, तभी तो ड्यूटी करते हैं। अच्छा, अभी आए तो दुकान बंद मिला है? मतलब अन्न उत्सव कार्यक्रम के तहत आज सभी जिले भर में कोटा में कार्यक्रम जारी है, लेकिन यहाँ पर ताला बंद पड़ा हुआ है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।